अरे भाई थोड़ा साइड होने यार, अरे तुम ही लोग आ जाओ यार। नमस्कार एवरीबॉडी, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका पहले मैं यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ जो इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि हम जो भी काम करें, कहीं पे भी इंस्टॉलेशन लगाएं, कहीं पे भी अच्छे स्कूल्स खोलें, कुछ भी अच्छा काम करें, अगर जनता का सहयोग ना हो, कम्युनिटी साथ में ना जुड़ी हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। और टाइगर जी का, अमित सातम जी का, आनंद पंडित जी का, अशोक पंडित जी का स्वागत करिए। आज हम यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं हैशटैग अंधेरी वेस्ट स्कल्पचर की ओपनिंग के लिए, जिसे बनाने में हमें ऑलमोस्ट 2 महीने लगे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये टीम वर्क है। हम सब जब मिल के काम करते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो पब्लिक में आगे आती हैं। और मैं हमारे जो जुहू अंधेरी के MLA हैं अमित सातम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। खाली एक ये स्कल्पचर जो आज हम जिसकी इनॉग्रेट कर रहे हैं ये नहीं, ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर अगर मैं गिनती करूँ तो शायद मेरी उंगलियों में उतनी नंबर नहीं होंगे, उतना उन्होंने अच्छा काम किया है। और देश भर में हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई नेता अपने लोगों से ऑन ग्राउंड जुड़ता है, उनके साथ काम करता है और उनकी बेहतरी के लिए सोचता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सातम जी। एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो थैंक टाइगर श्रॉफ जी जो आज हमारे साथ यहाँ पे हैं, जिन्होंने अपना समय निकाल के आज हमारे स्कल्पचर को ओपनिंग के लिए यहाँ पे वो आए हैं। सो और यूथ आइकॉन है, मैं यहाँ पे इतने सारे लोग देख सकती हूँ जो उनको एक आइडल की तरह आगे देखते हैं। मेरा बेटा खुद उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फॉलो करता है। तो आई थिंक इट्स आर ऑनर टू हैव हिम हियर। थैंक यू आनंद जी, आप यहाँ पे आए। थैंक यू अशोक पंडित जी, आपके बारे में सब जानते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर, ऑल द मीडिया हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमित जी से कि लेट्स वेलकम टाइगर श्रॉफ जी। बुके दीजिए और वो डाम बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगे और सुनाई ना दे ये नहीं हो सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। आनंद पंडित जी का भी वेलकम करें। अरे आनंद सर, गांव भेज दिए लग रहा है। अशोक पंडित जी का भी वेलकम करें। नहीं नहीं आएगा, आएगा आएगा, दिवाली में आएगा। अमित सातम जी, ज्यादा समय ना लेते हुए आई विल हैंड ओवर द माइक टू यू फॉर सेइंग अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहां पर उपस्थित हमारे यूथ आइकॉन और बॉलीवुड के सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ जी, हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक नोटेड फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित जी, हमारे मित्र अशोक पंडित जी, और जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, इस इंस्टॉलेशन को, ऐसी हमारी आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर रूबल नागी जी। सबसे पहले तो टाइगर जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला, अपने शेड्यूल में से
और हमारे बीच में यहाँ पर आप उपस्थित हुए, इसके लिए तहे दिल से आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आनंद भाई आपका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप हमेशा हमारे साथ में विद ऑल योर सपोर्ट कोऑपरेशन एंड ब्लेसिंग्स हमारे साथ में आप हमेशा रहते हैं। अशोक जी आप भी हमारे बहुत बड़े समर्थक हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। टाइगर जी आज का जो हमारा जो इंस्टॉलेशन है हैशटैग अंधेरी वेस्ट, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सिंबलाइज करता है कि पिछले 10 सालों में अंधेरी वेस्ट में क्या क्या काम हुए हैं। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुंबई सिटीज फर्स्ट वर्टिकल गार्डन एट पब्लिक प्लेस ये अंधेरी वेस्ट में है, वर्टिकल बटरफ्लाई गार्डन। मुंबई सिटीज फर्स्ट एडवांस एलईडी स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट ये अंधेरी वेस्ट से शुरू हुआ और पूरे मुंबई शहर में अभी एलईडी लाइट्स लगे हैं। जब 2014 में मैं 8 दिन के अनशन पर बैठा था, मुंबई सिटीज फर्स्ट रोड विथ यूटिलिटी कॉरिडोर जिसमें डक्स भी है ताकि सारे यूटिलिटी उसमें ले किए जाए, ये मुंबई शहर का पहला रास्ता, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से आप आए लल्लूभाई पार्क का जो रास्ता है, दैट इज मुंबई सिटीज फर्स्ट रोड विथ यूटिलिटी कॉरिडोर। और मुंबई शहर का सबसे पहला ग्लो गार्डन ये लल्लूभाई पार्क का ग्लो गार्डन है जिसे हमने एक महीने पहले ही इनॉग्रेट जो किया था। और इसीलिए व्हाट अंधेरी वेस्ट डस टुडे मुंबई डस इट टुमारो, आज हम जो करते हैं अंधेरी पश्चिम में वो पूरा मुंबई शहर उसे आने वाले समय में रेप्लिकेट करता है। वी हैव क्रिएटेड 52 ओपन स्पेसेस, ये स्कल्पचर के ऊपर 51 लिखा है, 52nd जो है वो कल इनॉग्रेट हुआ। पिछले 10 साल में 52 गार्डन स्लम्स में 100 से ज्यादा टॉयलेट्स, 100 से ज्यादा बीएमसी के रोड्स, और जो रूबल जी ने बताया 8 से ज्यादा इस प्रकार के स्कल्पचर्स, जुहू बीच का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, गिल्बर्ट हिल का कॉन्जर्वेशन का प्रोजेक्ट, ये सारे काम पिछले 10 साल में हमने किए हैं। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ रूबल जी, क्योंकि वहां पर लिखा है कि ये कॉन्सेप्ट अमित साटम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरी नहीं है, कॉन्सेप्ट इनकी है, क्योंकि इन्होंने ये सारे जो काम जो यहाँ पर हुए हैं पिछले 10 साल में, उन सारे कामों को एक ही स्कल्पचर में इनकॉर्पोरेट करने का काम किया, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। और टाइगर जी आपका फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, आने वाले समय में भी आपका साथ सहकार हमारे साथ में इसी प्रकार से बना रहेगा ऐसी कामना भी करता हूँ। और आप सभी लोगों को कहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने आपके साथ सहकार और आशीर्वाद हमारे साथ में रखे हैं, आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार से बरकरार रखोगे ऐसी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। और अभी हम यहाँ से चलेंगे हमारे स्कल्पचर के ओपनिंग के लिए टाइगर जी के हाथों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर जी। हाथ ना, हाथ